किंतु जहां पदोन्नति अपेक्षित योग्यता परीक्षा पास करने या अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप होगी वहां यह लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा पास करने या प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तारीख ही निर्धारक कारक होगा। तथापि पायलटों और इंजीनियरों के मामले में समिति ने सुझाव दिया है कि पायलटों और इंजीनियरों दोनों तथा उनके अधीन काम करने वाले तकनीशियनों को वाइड बॉडी और नैरो बॉडी के आधार पर जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्रदान किया गया है उसी आधार पर लाइन वरीयता प्रदान की जाएगी। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के वेतन को संरक्षित रखा जाएगा तथा भत्ते डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होंगे। कुछ अपवाद ये है कि कुछ निश्चित वर्ग के कर्मचारियों जैसे पायलट, केबिन क्रू और इंजीनियरों को कुछ एक निश्चित भत्ते दिए जाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है, तथापि ये डीपीई के दिशा निर्देशों के स्कोप से बाहर है। इन्हें लागू करने से पूर्व इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन की जरूरत है। इस प्रकार के भत्तों की जानकारी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात ही दी जा सकेगी। यदि लेवल मैपिंग तथा पारस्परिक वरीयता के सभी समायोजनों के पश्चात यह पाया जाता है कि एक कनिष्ठ कर्मचारी का मूल वेतन वरिष्ठ कर्मचारी के मूल वेतन से अधिक है तो वरिष्ठ कर्मचारी को संशोधित मूल वेतन को कनिष्ठ कर्मचारी से कम नहीं होने दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के बीच दीर्घकालीन विवाद खत्म हो जाएंगे। कुछ संवर्गों में पिछले कुछ वर्षों से पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं। वर्ष 2011 में धर्माधिकारी समिति ने सभी पदोन्नतियों को रोक दिया था जिसके पश्चात कोई पदोन्नति नहीं हुई है। समिति ने अब विभागीय पदोन्नति समिति के गठन द्वारा एक न्यायोचित तथा व्यापक पदोन्नति नीति की सिफारिश की है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति में पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन का उचित प्रतिनिधित्व होगा और इसमें बाहर के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। परस्पर वरीयता के निर्धारण जो अधिकतम 45 दिनों की अवधि में कर लिया जाएगा के पश्चात शीघ्र ही पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। समिति इस नीति को निर्धारित करने के लिए तरीके तथा माध्यम सुझाएगी ताकि एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन के दोनों कर्मचारियों को उनके कैरियर प्रोग्रेशन में उचित अवसर प्राप्त हो सके। धर्माधिकारी रिपोर्ट को लागू करने के पश्चात सभी स्तरों का आवास, परिवहन, कैंटीन, वर्दी आदि सभी कार्यों के घंटे, यात्रा सुविधाएं तथा सभी सुविधाओं के संबंध में समरूपी नीति स्थापित की जाएगी। हर किसी को न्यायोचित तथा समान अवसर के सिद्धांत पर श्रम शक्ति तथा क्षमता निर्माण सहित सभी संसाधनों का क्रॉस यूटिलाइजेशन विलेयक निकाय की नीति होगी जिसमें विभिन्न स्तरों के स्तर पर क्रॉस प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वयन सह विसंगति समिति का गठन भी किया जा रहा है जिसमें पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह समिति 45 दिनों के अंदर अपना वेतन निर्धारण, लेवल मैपिंग, परस्पर वरीयता के कार्य को पूरा कर लेगी। यह समिति धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों को लागू करते समय कर्मचारियों के विचार भी प्राप्त करेगी। यह समिति उन विसंगतियों की भी जांच करेगी जो इस प्रक्रिया के दौरान उसके सामने आएंगी या कर्मचारियों द्वारा उठाई जाएंगी। अब हिंदी का ट्रांसलेशन तो मुझे हाँ मुझे समझ नहीं आया लेकिन आप लोगों को भी नहीं आया होगा। ये आप तो अवेलेबल होंगे इंग्लिश हिंदी में दोनों जिससे कि आप इसको देख सके। ये सरकारी हिंदी थी। असल में सवाल तो कुछ है नहीं, सब सवालों का जवाब इसमें आ चुका है।